हेलो फ्रेंड्स, मैं फिटनेस ट्रेनर कुलविंदर सिंह। आज का जो वीडियो है वो है हमारा लोअर एब्स। लोअर एब्स में मैं आपको पहले भी कई वर्कआउट्स बता चुका हूँ। आज के जो वर्कआउट्स हैं कुछ डिफरेंट हैं। फर्स्ट वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं सही पोस्चर सही तरीके से करना बताऊँगा। इस तरह से जिस पोजिशन में मैं बैठा हूँ उस पोजिशन में आप पहले बैठ जाइए। आपके एंकल फ्लैट होने चाहिए, फ्लैट, बिल्कुल भी बेंड ना करें एंकल को। एंकल को बिल्कुल फ्लैट रखें और अपनी नीज को एकदम स्ट्रेट रखें। दोनों हाथ पीछे रखने हैं, कोर को एंगेज करके रखना है। जब भी आप ऊपर पैर लाएंगे आराम से लेकर आएं, नीचे आराम से लेकर जाएं। जब भी आप ऊपर पैर लेकर आते हैं तो एक्सहेल कीजिए और जब पैर नीचे जाते हैं तो इनहेल कीजिए। अब ये पैर जितने नीचे लेके जा सकते हैं उतने नीचे लेकर जाइए, जस्ट टच नहीं करना है आपको। इस वर्कआउट को इसी तरह से करना है, अपने पैर पूरे नीचे तक लेकर जाइएगा बट टच ना कीजिएगा और अपने कोर को एंगेज रखिएगा। अब जो हमारा सेकंड वर्कआउट है, सेकंड वर्कआउट में भी लोअर एब्स वर्क करेंगी। करना किस तरह से है, पहले आप लेट जाइए। एक तो आप करते हैं रिवर्स क्रंचेस, पैरों को पीछे लाते हैं और इस तरह से करते हैं। इसमें आपके लोअर एब्स प्रॉपर नहीं चलते। अब जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको क्या करना है थोड़ा सा अलग है। पैर ऊपर उठाइए, ये जब आप यहाँ लाते हैं तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऊपर लाना है। ये जब आप ऊपर लाते हैं तो आपका कोर प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। इस वर्कआउट को इसी तरह से कीजिएगा। जब भी लेटते हैं आप, आपको थोड़ी सी बैक अपनी ऊपर उठानी है और कोर को टाइट करना है, फिर लेग्स नीचे छोड़ने हैं। जब भी आप पैर उठाएंगे एक्सहेल करना है और जब भी नीचे लेकर जाएंगे तो इनहेल करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है, वर्कआउट नंबर थर्ड, इसमें भी आपके लोअर एब्स वर्क करते हैं। इसे करना कैसे है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आराम से बैठ सके, जिस तरह से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, कोई ऐसा बेंच हो, कुछ भी हो जो हिलेगा, ठीक है, उस पर आपको बैठ जाना है और ये थोड़ा सा पीछे होके ये याद रखें। जब भी पैर ऊपर लाएंगे आपको एक्सहेल करना है, पैर नीचे जाएंगे इनहेल करना है और कोर को एंगेज करके रखना है। एंकल को हमेशा फ्लैट रखिए। ये था हमारा वर्कआउट नंबर थर्ड। इन वर्कआउट्स को इसी तरह से कीजिए, बहुत ही अच्छे वर्कआउट है। विद इन वन मंथ आपको इसका रिजल्ट दिखाई दे जाएगा अगर आप इसे करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।